नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथैम्पटन में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने इस मैच की तैयारियां शुरू कर दी है। अब इस मैच से जुड़ी ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे कि फैंस काफी ज्यादा उत्साहित होंगे। दरअसल इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए 4000 दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति दे दी है। हैम्पशायर काउंटी क्लब के प्रमुख रॉड ब्रांसग्रोव ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। जिस मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, उसी ग्राउंड पर एक काउंटी मैच के दौरान 1500 लोगों को मैच देखने की इजाजत दी गई थी। हैम्पशायर काउंटी क्लब के प्रमुख ने बुधवार को क्रिकबस को बताया, हम आज से 4 दिवसीय काउंटी मैच का आयोजन कर रहे हैं और सितंबर 2019 के बाद पहली बार फैंस को इंग्लैंड में क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम आने की अनुमति दी गई है। इस राउंड के अन्य काउंटी मैच कल से शुरू होंगे और इस दौरान दर्शक मौजूद होंगे। ब्रांसग्रोव ने आगे बताया कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के 4000 लोगों को मैच देखने की अनुमति दी है। आपको बताते चले कि 18 से 22 जून के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथैम्पटन में खेला जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।